सो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल डाउट सेंड में। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद हम देखते हैं अपना चैनल यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं, पर अपना चैनल लिस्टिंग पे नहीं आता। ठीक है, जैसे कि ये मेरा चैनल है, मैं जब भी अपने चैनल की नेम से सर्च करूंगा किसी भी तरीके से, तो हमें ना हमारा जो चैनल है वो फ्रंट पे फर्स्ट पे दिखाएगा। वो आपका चैनल किस तरह से आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि अपने चैनल के मैं किस किस तरीके से सर्च करूंगा, फिर उसके बाद भी जो अपना चैनल है वो फ्रंट पे दिखाता है। देखिए, चलिए स्क्रीन पे देखिए, ये अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं हम। और यहां पर मैं सर्च करता हूँ अपना चैनल नॉर्मल तरीके से, DOBTEND डाउट एंड स्मॉल करके स्पेस देकर डाउट एंड सर्च करा हमने, और सर्च करते के साथ ही ये देखिए फ्रंट पे आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने बिना स्पेस के डाउट एंड सर्च करा, देन अगेन फिर फर्स्ट पे आया है। उसके बाद हमने क्या करा, डी बड़ा कर दिया और अपना ई स्मॉल रखा, फिर सर्च पे कर दिया, अगेन फिर भी अपना फ्रंट पे आ रहा है। अगेन फिर इसके बाद हमने करा स्पेस दे के एंड रख दिया, फिर भी अपना क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये अपना फ्रंट पे आ रहा है पहली पोजिशन पे। ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो सेटअप है वो कर रखा है, जो कीवर्ड्स है वो कर रखे हैं। देखिए एक और दिखा दूं अपना, ये अपना एंड को अपना ई बड़ा कर देते हैं और इसके बाद भी हम करते हैं सर्च। तो ये देखिएगा, ये अपना सर्च पे पहले दिखा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि आपका चैनल भी फर्स्ट रैंक पे आ सके। ठीक है, आई मीन टू से मतलब आपका चैनल जब आप अपने नेम से सर्च करें तो आपका चैनल पहले नंबर पे दिखाई दे। तो वो किस तरह से करेंगे, चलिए वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउजर पे आके यूट्यूब ओपन करना है फ्रेंड्स। यूट्यूब ओपन करने के बाद अपना YT स्टूडियो में चले जाना है, चाहे अपना आप अपने फोन पे जाइए या अपना डेस्कटॉप पे, आप कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, अगर आप अपने फोन पे खोल रहे हैं तो उधर भी डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन करके इस तरह से सब कुछ दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर आ जाएंगे। और यहां पर आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए यहां पर सारे मेन्यू है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, डैशबोर्ड है, कंटेंट है, प्लेलिस्ट है, एनालिटिक्स है, कमेंट है, सबटाइटल है, कॉपीराइट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नीचे अपना सेटिंग का ये ऑप्शन देख रहे होंगे आप, सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये अपने सारे मेन्यू आ रहे हैं, जनरल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी और एग्रीमेंट। सबके अलग अलग यूसेज हैं, वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जरूरत है इस चीजों की तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं हर एक उसका अलग अलग वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ये चैनल देख रहे हैं आप, ये देखिए चैनल मैं आपको दिखा देता हूं हमें क्या करना है, इस चैनल पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस चैनल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चैनल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपनी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें ये वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे, हमें थर्ड वाले पे क्लिक करना है, फीचर एंड एलिजिबिलिटी पर। ठीक है, हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसके अंदर जो सबसे मेन चीज जो है सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, इसके अंदर आपका फोन नंबर लिंक होता है, मेरा ऑलरेडी ये इनेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इनेबल है। कुछ फ्रेंड्स का क्या होगा, जो अपने न्यू यूट्यूबर हैं उनका ये डिसेबल होगा, उसको हमें इनेबल करना है। उसके लिए आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब आई मीन टू से अपना नंबर यूट्यूब के साथ लिंक करना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों इसके रिगार्ड पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन, जो अपना मोटिव है अपने चैनल को कैसे सर्च में आएंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें बेसिक इन्फो वाले पे क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही हम बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों ये तो मैंने सब कुछ अपना फिल कर रखा है, आपको भी ऐसे ही फिल करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि अपने चैनल का नाम है डाउट एंड, ठीक है, मैंने देखिए डाउट एंड कैसे कर रखा है, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए डाउट एंड देखो दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग तरीके से, ये देखो ये डाउट एंड कर रखा है, डी मैंने बड़ा कर रखा है, स्पेस देके एंड कर दिया। ठीक है, यहां पर डी भी छोटा है, ई भी छोटा है, एक साथ कर दिया।
डी और डाउट एंड फिर अलग अलग कर दिया, फिर डी बड़ा कर दिया, ई छोटा कर दिया। मुझे जैसे लगता है कि जैसे यूजर सर्च कर सकता है यूट्यूब पे, उस तरीके से मैंने अपना सारा नेम अपना इस जगह फिल कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, जैसे अपना, अब मैंने यहां पर डाल देता हूं अपना डी ओ, अब मैं यहां पर सब कुछ कैप्स कर देता हूं, डी ओ यू बी टी ई एन डी, इसको एंटर कर दिया। अब कोई भी आएगा अपने चैनल का, जैसे नाम सर्च करेगा किसी भी नेम से यहां पर सर्च करेगा तो अपना जो चैनल है फर्स्ट नंबर पे आएगा। देखिए ये सब आपको फिल कर लेना है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये सब फिल कर देना है और उसको सेव कर देना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप दोस्तों आपको। अब यूट्यूब ओपन कर लेते हैं हम न्यू टैब में। ठीक है, यूट्यूब ओपन करा हमने, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम कैप्स में, डी सॉरी बिना कैप्स के सिंपल लिखते हैं डाउट एंड। ठीक है, बिना स्पेस के लिखा तो देखिए जैसे कि हम लिखेंगे और सर्च पे एंटर करेंगे, हमारा जो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, वो फर्स्ट नंबर पे हमारा दिखाना लगेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम अपना ये जो अपना है डी बड़ा कर देते हैं और ई छोटा ही रहने देते हैं, बिना स्पेस दिए सर्च करते हैं, अगेन अपना चैनल फर्स्ट पे दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं स्पेस देते हैं फिर एंटर करते हैं। ये सब कुछ क्यों दिखा रहा है दोस्तों? ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो अपने जो कीवर्ड्स हैं, जो अपने चैनल के कीज हैं, जो मैंने डाले हुए हैं, वो सब मैंने क्या करा है यहां पर अपना सेव कर दिया है। देख रहे हो, सारा डाल के मैंने सेव कर दिया, जिससे कि आराम से कोई भी किसी भी चीज से अपना सर्च करे तो अपना चैनल आ जाए, है ना फ्रेंड्स। अब यहां पर एक काम करते हैं, मैंने डाउट एंड अभी डाला था अपने नया वाला, देखो अभी वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा कैप्स में, स्पेस देखे वैसे डाला नहीं था, फिर भी देख लेते हैं। ओके, ये देखिए दोस्तों अभी भी अपना डाउट एंड दिखा रहा है, जो कि मैंने यहां पर अपने न्यू डाला था। ये देखो डाउट एंड बिना स्पेस दिए था, लेकिन स्पेस देके भी डाला तो भी आ गया। ठीक है, अब यहां से सर्च करते हैं स्पेस हटा के, फिर भी आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली अपना चैनल सर्च में ला सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सभी के लिए। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि किस किसने ये इंफॉर्मेशन जो अपने कीज है किस किसने अपने चैनल पे डाली हुई है या नहीं डाली हुई है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बता दूं कि ये अपलोड डिफॉल्ट वाला, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में बताऊं इस चीज का यूसेज क्या है, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।